चाहे कोई देखो, चाहे अमेरिका राष्ट्रपति हो, चाहे रशिया का राष्ट्र, हर आदमी ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी नज़दीकी दिखाई दे, सारा देश जय श्री राम। कांग्रेस तो कह रही कि रामलला के नाम से राजनीति, वोट की राजनीति कांग्रेस बीजेपी कर रही है। जो पंचकुला में बैठक हुई थी उसमें जेजेपी से अलग चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है कि जेजेपी से अलग चुनाव, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। बार लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ोगी? जो पार्टी आदेश हो वो करेंगे, पूरा इंटरेस्ट लोकसभा लड़ने का। हमारे साथ सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक हैं। पंचकुला में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हुआ था, उस टाइम सभी सांसद मौजूद थे वहाँ पर। क्या विधानसभा चुनाव साथ में करवाने की बात हुई थी या अलग अलग करवाने की बात चर्चा हुई थी? देखो, इसका फैसला पार्टी हाईकमांड ने करना है, और जब इलेक्शन डिक्लेयर होंगे जो फैसला होगा कि पार्टी हाईकमांड क्या साथ कराने या अलग कराने। आप लोगों से साथ बैठक हुई थी पंचकुला दौरे के दौरान, उस टाइम जितने भी सांसद से सबका कहना था कि अलग अलग हो चुकी। ऐसा मैं उसमें नहीं था, क्योंकि हमारी कमेटी, रेलवे कमेटी बाहर गई हुई थी। किस तरह की तैयारी है 2024 को लेकर? 2024 की अपनी पूरी तैयारी आप देख रहे हो, रोज लगातार तैयारी। और हम तो प्रेस के माध्यम से भी और लोगों को एक बात कहते हैं, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा कोई पार्लियामेंट, एमपी का काम को बचाओ, प्रधानमंत्री जी जो है जिस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं, आज सबने पता है कि देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में किस तरह से बढ़ रहा है। जहाँ चाहे कोई देखो, चाहे अमेरिका राष्ट्रपति हो, चाहे रशिया का राष्ट्र, हर आदमी ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी नज़दीकी दिखाई देनी चाहिए। जो पंचकुला में बैठक हुई थी उसमें जेजेपी से अलग चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है कि जेजेपी से अलग चुनाव, बीजेपी अकेले चुनाव लड़े, इसका फैसला ही पार्टी हाईकमांड करती है। हम आज के दिन हम साझा हैं, इकट्ठे हैं, और हम सरकार में शामिल हैं। जैसे विप्लव देव भी हरियाणा में घूम रहे हैं, भारत विकसित यात्रा चल रही है, उन्होंने भी कहा कि 10 की 10 लोकसभा बीजेपी अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें पहले भी जीतती और इस बार भी जीतेंगे। और लगातार 3 दिन सोनीपत में रहे, हम उनके साथ रहे। लगातार जो भारत विकसित यात्रा चल रही है उसमें लोगों का बड़ा भारी जोश है, और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो गारंटी कि बस है, उसको पर लोगों का विश्वास है कि केंद्रीय जो हमारी नीतियां हैं और प्रदेश की माननीय मनोहर लाल जी की जो सरकार की नीतियां हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे चिरंजीव कार्ड हो, चाहे इसके साथ साथ हर आदमी ये गैस का सिलेंडर हर घर को दे रहा हो, हर वो काम चाहे आयुष्मान का है, इसके साथ 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 जो है जो जिनकी पेंशन में कोई गड़बड़ थी वो सब ठीक किए, और अगले महीने से पेंशन भी 3,000। गठबंधन की जो सरकार हरियाणा प्रदेश में चल रही है, पंचकुला के बाद ये कयास लगा जा रहे हैं कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, पर कहीं ना कहीं अजय चौटाला कह रहे हैं कि नड्डा जी से हमारी बात हुई है, हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा ही इसका फैसला मैं बता रहा हूँ, सब पार्टी हाईकमांड ही करती है, इसमें हम कोई कुछ नहीं। आप अगली बार लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ोगे? जो पार्टी आदेश हो वो करेंगे, अपना इंटरेस्ट लोकसभा लड़ने का। जैसे अब 3 राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, वहाँ कई सांसदों को विधानसभा के मैदान में उतारा था। मैंने बताया ना, पार्टियाँ जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे, जैसे पार्टी चाहिए वो कर लेंगे। अब की बार लोकसभा में जैसे पीछे रोहतक से दीपेंद्र और सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़े थे, पूरे देश की नज़र रही थी इन सीटों पर, अगर अब की बार भी ऐसा ही होता है तो क्या स्थिति रहेगी? ये देखो, उनकी पार्टियाँ मसला है, वो लड़ना चाहेंगे तो लड़ सकते हैं। अगर वे चुनाव लड़ते हैं सोनीपत और रोहतक से, दोनों बाबू पिता पुत्र, तो क्या स्थिति रहेगी? जैसी पहले रही वही रहेगी, और क्या, लेकिन लड़ना है, जब लड़ेंगे जब की बात नहीं है, अभी तो कोई बात नहीं लड़ने की, चुनाव डिक्लेयर होने दो, उसके बाद इलेक्शन शुरू होगा, उसके बता। अब लगातार सभी पार्टियां चुनावी जन आक्रोश रैली, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी की भारत विकसित यात्रा चल रही है, उसको लेकर अगर भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत से चुनाव लड़ती हैं, जब मैं कह रहा हूँ ये सब बातें वो है उसकी, उनकी मर्जी है, पार्टी कौन लड़ता कौन नहीं, इस बात का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज जो है फील्ड में भारतीय जनता पार्टी और जो राम मंदिर का वो है उद्घाटन जो करना है सीएम साहब, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, आज वो दिखाई दे रही है चारों तरफ, सारा देश जय श्री राम बोल रहा है। कांग्रेस तो कह रही कि रामलला के नाम से राजनीति, वोट की राजनीति कांग्रेस, बीजेपी कर रही है। बीजेपी ये वोट की राजनीति नहीं कर रही, जो 500 साल से जो काम नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में
राम मंदिर निर्माण हुआ। अगर अयोध्या में भी राम मंदिर नहीं बनेगा तो ये बता दें और कहाँ बनाए बनेगा।